कुछ सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं कुछ अलग से सिग्नलों के बारे में मैसेज देने के लिए। प्रॉपरली सिग्नल नहीं है लेकिन कुछ साइन है, कुछ हम करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, कुछ मार्कर लगाते हैं जो कि सिग्नल के बारे में बताता है। सेमाफोर अगर कोई सिग्नल है जो गुड्स लाइन के लिए ही इस्तेमाल होगा तो उसमें हम एक ब्लैक कलर का ओ रिंग जो है सेमाफोर के आर्म में लगाते हैं। सब कुछ सेम है, बस वो जो आर्म है, सॉरी जो सेमाफोर सिग्नल है वो गुड्स लाइन के लिए है। वहाँ पे कोई पैसेंजर ट्रेन को हम रिसीव नहीं करते हैं और गुड्स के लिए ही वो लाइन है, वो रनिंग लाइन जो जिसके लिए वो सिग्नल है, तो वहाँ पे हम ओ लगाएंगे। सेम अगर कोई डॉक प्लेटफॉर्म के लिए कोई स्टॉप सिग्नल है तो उसमें डी लगाएंगे। इसके अलावा कोई सेमाफोर सिग्नल या कलर लाइट सिग्नल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी, टेम्परेरी हमने उसको शिफ्ट करना है या वर्किंग में नहीं है, पोस्ट तो है या यूनिट है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है या उसको शिफ्ट करना है या कोई भी रीज़न से वो सिग्नल अभी हटाया नहीं गया, उसको डिसमेंटल करना है, मतलब सिग्नल नॉट इन यूज़ लेकिन साइट पे लगा हुआ है, तो उस केस में उसमें क्रॉस लगाना है। अगर आर्म वाला है सेमाफोर है तो आर्म में क्रॉस लगाएंगे, लेकिन सिग्नल अगर कलर लाइट है तो कलर लाइट में जो एस्पेक्ट है एस्पेक्ट की यूनिट के साथ जो है आर्म क्रॉस लगाएंगे। ये कुछ मार्कर्स हैं जिनको हम सिग्नल पे लगे हुए देख सकते हैं, जब भी आप स्टेशन पे जाएंगे तो ये मार्कर्स आपको सिग्नल पे लगे हुए दिखाई देंगे। जैसे ऑटोमेटिक अगर स्टॉप सिग्नल होगा तो वाइट एक डिस्क पे ब्लैक कलर में ए लेटर लिखे लगाएंगे। जो अब सेक्शन चल रहा है वो ऑटोमेटिक सेक्शन है, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूस ट्रैक है और उसका नॉर्मल एस्पेक्ट ग्रीन है। अगर आप उसी हिसाब से स्पीड को अपनी मेंटेन रखेंगे, ग्रीन का मतलब आगे के कम से कम दो सिग्नल आपको ऑफ मिलेंगे। इसलिए स्पीड को मेंटेन रखने के लिए सेक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा ट्रेनों का संचालन उस सेक्शन में करने के लिए, फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए हम ऑटोमेटिक सेक्शन को डिज़ाइन करते हैं। अगर वो सेमी ऑटोमेटिक होगा तो यही चीज़ इल्यूमिनेटेड होगा, मतलब पीछे से लैंप जलेगा, ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट कलर का जो है उसमें स्टेंसिल कटा होगा जिससे अंदर उसकी एक लैंप जलाई जाएगी, तो इल्यूमिनेटेड ए मार्क। वहां पर ऑटोमेटिक सेक्शन के साथ साथ मैनुअल ऑपरेशन भी सिग्नलिंग का संभव है, इस वजह से वो सेमी ऑटोमेटिक की दायरे में आएगा। इसके बाद डिस्टेंट सिग्नल अगर है या वार्नर सिग्नल है तो पी बोर्ड लगेगा। सारे परमिसिबल सिग्नल पे बी मार्कर लगा होता है, पी फॉर परमिसिबल सिग्नल की ड्राइवर वो सिग्नल नो लाइट होने पर उस सिग्नल के नीचे खड़ा नहीं होगा, वो परमिसिबल सिग्नल है, ये पर स्टॉप सिग्नल नहीं है, उस परमिसिबल सिग्नल के आगे का जो सिग्नल होगा उसकी पोजीशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। इसका पर्पस केवल आगे वाले आने वाले सिग्नल की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करना है, तो नो लाइट किसी वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए इस पर ड्राइवर को खड़ा नहीं होना है और ये इंडिकेट करता है कि ये परमिसिबल सिग्नल है। कोई कंफ्यूजन होता है तो वहाँ पर रुक के एसएम ऑन ड्यूटी से बीएचएफ के माध्यम से बात करके अपने संशय को क्लियर कर सकता है, या रुक के तुरंत चल सकता है, ये भी कर सकता है, क्योंकि ये केवल अपने आने वाले सिग्नल की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये ऑफ होने का मतलब होता है कि आगे सारे सिग्नल डिस्पैच तथा रिसेप्शन सिग्नल उसको ऑफ मिलेंगे, इसलिए इसको बनाया जाता है। आईपी सिग्नल अगर इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल लगा हुआ है, आईबी पोस्ट पे लगा हुआ है तो आईबी सिग्नल के नाम से दिखाएंगे उसको। कॉलिंग ऑन के लिए सी मार्कर लगा हुआ होता है इसमें। रिपीटिंग सिग्नल है तो आर, रिपीटिंग सिग्नल अगर कलर लाइट में है तो वो इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। गेट सिग्नल है तो जी, जी जो है वो येलो सर्कुलर डिस्क पे ब्लैक कलर से जी लिखा जाएगा। अगर ऑटोमेटिक में है तो वो ऑटोमेटिक में कोई गेट कम ऑटोमेटिक सिग्नल है तो उसमें इल्यूमिनेटेड ए मार्कर होगा और साथ में ब्लैक से ब्लैक कलर में जी लिखा होगा येलो राउंड डिस्क पे। उसके बाद अगर कोई ऐसा सिग्नल है जिसमें कि गेट भी है और पॉइंट जोन भी है और ऑटोमेटिक भी है तो वो ऑटोमेटिक के साथ ए जी मार्कर। इस मार्केशन के हिसाब से जो मार्कर लगे हुए इनके माध्यम से हम उस सिग्नल को पहचानते हैं कि वो किस चीज के लिए काम कर रहा है या किस चीज से उसका संबंध है।